केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के रसूलपुर में अनुसूचित जाति की घुड़चढ़ी के दौरान हुए पथराव व बवाल ने तूल पकड़ लिया है। आज राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने फ्लावदा थानेदार राजेश काम्बोज को मोबाइल मिलाकर यह कहते हुए आड़े हाथ लिया कि क्या आपके थाना क्षेत्र में दलितों को रहने का अधिकार नहीं है? घर में घुसकर बहन बेटियों पर हमला किया गया। आप समझ रहे हैं कि इनके हाथ बंधे हुए हैं? अगर ये अपनी पर आ गए तो समझ लो कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद राज्य मंत्री ने एडीजी से भी फोन पर वार्ता की। एडीजी से उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राज्य मंत्री का वहां पर यह भी कहना था कि यह योगी जी की सरकार है, विशेष समुदाय के लोग घर में घुस जाएंगे यह नहीं होगा। दरअसल गांव के सचिन की सोमवार को शादी थी। रविवार रात को रस्मों के दौरान सचिन के परिजनों ने घर में डीजे बजाया हुआ था। इसका मोहल्ले के रहने वाले विशेष संप्रदाय के लोगों ने विरोध किया। आरोप यह भी है कि बारात के दौरान डांस कर रही महिलाओं व युवतियों की विशेष संप्रदाय के लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। इस पर वहां हंगामा खड़ा हो गया और देखते ही देखते पथराव भी। आज 2 दिन बाद राज्य मंत्री दिनेश खटीक वहां पहुंचे थे। पहले सुनिए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने फोन पर फ्लावदा एसओ को क्या कहा। ये ईंट हटवाओ, इन्होंने ईंट बरसाई है इन लोगों पर यहाँ पर। हेलो, जब भी कुछ बात होगी जब ईंट बरसा देंगे। और सबके कोठों में मिलेगी, सबके कोठों में। क्या है ये, आपके थाना क्षेत्र में दलितों को बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, क्या कार्रवाई हो रही है आप बताओ। इनके पूरी गली में पत्थर बरसाए गए हैं, इनके घर में आकर के सीधा बेटियों पर हमला किया है, इनकी वीडियो बना रहे थे। क्या आप ये समझ रहे हैं इनके हाथ बंधे नहीं है? इनके हाथ केवल ये कानून से खिलवाड़ करने वाले नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये ना समझे आपके कि ये बंधे हुए हैं। अगर ये अपनी पे आ गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मैंने अभी एडीजी साहब से बात करी है, इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। इससे पूर्व राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने एडीजी से क्या वार्ता की वह भी देखिए। नमस्कार एडीजी साहब, मैं रसूलपुर गांव में हूँ और मतलब आप यहाँ का दृश्य देखेंगे तो बहुत भयानक है। इनके घर में शादी थी और शादी में आप ये मानिएगा कि जो हमारी बहन बेटी है, शादी में एक दिन पहले मंडा होता है, उसमें अपना जो भोजन होता है नाच कूदता वो कर रहे थे और दूसरे संप्रदाय के लोग आकर के सीधा उनकी वीडियो बनाने लगे। फिर जो हम इन लोगों ने मना किया तो उस पर इनको पथराव किया और मारा पीटा। मतलब इससे दर्दनाक घटना हो नहीं सकती। मेरा आपसे कहना है कि आप बिल्कुल तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और ये तीसरी घटना है, 3 घटना इससे पहले हो चुकी है यहाँ पर, तो आप इनको तुरंत जो भी इसमें हो गुंडा तत्व उसको खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे तो ये लोग रहेंगे नहीं, दलित यहाँ से चले जाएंगे छोड़ करके क्या होगा बताइए। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे परिवार के लोग हैं। मौके पर मौजूद लोगों व राज्य मंत्री के बीच हुई वार्ता को firstbite.tv के कैमरे ने कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। हम भी अपनी तैयारी में लग रहे थे। उसका सिंगल क्या दे रहे हैं, कौन सी से बात कर और किसी भी हद तक जाऊंगा, आप बेफिक्र रहना। बिल्कुल समझ गए मेरी बात, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कानून के दायरे में रहते हुए हम आपको न्याय दिलाएंगे बिल्कुल। और ये योगी जी की सरकार है जी, समझ गए। यहाँ पर विशेष संप्रदाय के लोग आकर घर में घुस जाएंगे ये कभी संभव नहीं होगा। ये जो लड़कों का नाम है जी, यही बार बार लड़ाई करते हैं, अभी इन्हीं का इलाज होगा। इनका नाम नहीं कटना चाहिए, यहाँ पर अगर ये ठीक हो जाए। हाँ जी, बाय दाइम नेम है, फोन है वो नहीं होना चाहिए। नहीं जी, बात होनी सुनने वाला कि ये ऊपर वोल्टी पर है,
भाई वो तुम्हें वो कर देंगे, हमें ना धमकाया जा रहा है कि भाई तुम्हें अगर वो करा तो साले तुम वो कर देंगे। तो कौन धमका रहा है? ये धमका रहे हैं कि तुम्हें काम कर देना, साले तुम्हें पिटेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होगा आपके लिए। पीछे जाओ भैया, थोड़ा थोड़ा सा घर का भी करना पड़ा है, हमें बाहर भीतर भी जाना पड़ा है। चिंता मत करो, ये मेरा परिवार है, ठीक है, और मैं अभी बात करूंगा अधिकारियों से इस बारे में, ठीक है, और कार्रवाई होगी बढ़िया, चिंता मत करो। अमृत कुमार इस पत्र कहाँ है? आप ये बताइए, क्या दलित समाज को रहने का अधिकार नहीं है क्या इस कुमार थाना क्षेत्र में? क्यों नहीं है? क्या इनकी अगर शादी है, शादी में आकर के बहन बेटियां नाच कूद कर रही है, डांस कर रही है, तो उनकी वीडियो बनाएंगे दूसरे संप्रदाय के लोग आकर के? ये तो मुकदमा कायम हुआ, सख्त कार्रवाई की। ये कह रहे हैं कि नाम निकाल दिए गए, क्यों आपकी सहसियता है यहाँ पर? शांति व्यवस्था कहाँ है कि आकर के सीधा उनके घर पे आके वीडियो बना रहे हैं बहन बेटियों की? क्या अधिकार नहीं दलित समाज के लोगों को कि वो अपनी जुड़चड़ी करें, अपनी बारात करें, अपनी शादी करें? आप जो भी इसमें होगा, कौन दरोगा थे वो, किस क्या नाम था उसका? धर्मेंद्र कौन? अभी रहा था ना जी, तुम्हें काम करने देने के हम ऐसे धमका रहे हमारे वाले, अभी यही है, डरा रहे जी, यूँ कह रहे प्रोग्राम आप इतने शांत होकर क्यों बैठे हैं? दरअसल संख्या ज्यादा है जिनकी यहाँ पे, इनकी मतलब जंगल भार में जगह है, मतलब हमारे गली में खेले उसी गाँव में, तो एक रात जा रही थी उसी गाँव में, एक हमारे रिश्तेदार है वहाँ जा रहा है, कोई नाम नहीं करना जी, बिल्कुल नहीं कटेगा। आप चिंता मत करो, ठीक है, हमारा परिवार है और हम पूर्ण रूप से साथ हैं, और जो भी इसके अंदर है जिन्होंने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई। आप लड़के खेच रहे महिला हो जी, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है ना, अच्छी कार्रवाई कराएंगे, जो ऐसे लोग हैं उदर्वी लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुझे जैसे ही पता चला, हालांकि मेरा लड़का अस्पताल में बीमार है, उसको बुखार है, मैं उसे छोड़ करके नहीं तो मैं कल ही आता, उसको छोड़ करके तब मुझे आज मैंने घटना पता चला, तब मैं यहाँ पे आया, ठीक है अम्मा, मैं आपका परिवार हूँ, आपका बच्चा हूँ, ठीक है ना, आप बेफिक्र रहो, आपके साथ पुलिस सरकार और हम आपके साथ, ठीक है, आप इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर साहब कहाँ सर वैसे ठीक है, इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।